नमस्कार, मैं तनु बद, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। खबर आगरा से है, जहां श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी के पुत्र श्री अभिनव के द्वारा बीजेपी के लोकसभा के उम्मीदवार श्री एसपी सिंह बघेल जी के लिए जाटव बस्ती में प्रचार कार्य किया गया और पार्टी के लिए वोट भी मांगे। इस समय बेबी रानी मौर्य जी उत्तराखंड की राज्यपाल हैं, अतः माँ का दायित्व पूरा करने के लिए अभिनव पार्टी के प्रचार कार्य में लगे हैं और प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं। उन्होंने नगला बूढ़ी, नगला बड़, मनोहरपुर, बाराखंबा, आजमपाड़ा, शास्त्रीपुरम, टीन का नगला, नरीपुरा आदि जगहों का दौरा किया और जनसंपर्क साधा। साथ ही पार्टी के लिए वोट जिताने की अपील भी की। अभिनव का लोगों ने जोरदार स्वागत किया और इंजीनियर थान सिंह जी ने अभिनव को स्वाफा बांधकर स्वागत किया। वहीं मनोप्रकाश जी ने शॉल उड़ाकर बुद्ध मूर्ति भेंट की। नगला बड़ में महेश चंद जी, गौतम जी, सभी साथियों ने फूल मालाएं भेंट की। नगला बूढ़ी में तुलाराम सच्चिदानंदी जी, अमित कुमार, मुन्ना लाल, सलामुद्दीन आदि। दौरेठा में भी प्रकाश, दीवान दीवांशु, सलीम, सतीश, शिवाजी, लवकेश, रजत कुलश्रेष्ठ, रवि, रघुवेंद्र, पवन आदि लोगों ने जोरदार नारे लगाकर अभिनव का मनोबल बढ़ाया। प्राइम न्यूज 24 के लिए आगरा से सलामुद्दीन अब्बासी की खास रिपोर्ट। जैसे मैं यूएस में था तो फेस टाइम पे हम लोग की वीडियो चैट होती थी, रोज ही होती थी। लाजमी है, एक माँ बेटे का जो रिश्ता होता है तो हम लोग अपने दोनों एक दूसरे को अपनी व्यथाएं, अच्छी बातें दोनों बता देते। और तो मम्मी की हमेशा एक बात मेरे को याद आती है, वो ये कहती थी बेटा तुम अब वापस आ जाओ, क्योंकि हम लोगों को एक अच्छा नेतृत्व मिल गया और देश काफ़ी तरीकों से बदल रहा है। अच्छा, अब साथ में ये भी कहती थी कि सब चीज़ें परफेक्ट नहीं है लेकिन परफेक्ट हो जाएंगी बहुत जल्दी। तो अच्छा, इसी दौरान उनका ऐसा कुछ सहयोग हुआ कि वो यूएस आ गई मेरे पास रहने के लिए, और उससे भी बड़ा सहयोग क्या हुआ कि वो गवर्नर बन गई, वहीं बैठे मेरे घर पर ही थी जब ये खबर आई। तो फिर वहाँ से वो रवाना हो गई, यहाँ जल्दी जल्दी पहुँची, सब लोगों से मुलाकात करी, उत्तराखंड में गवर्नर ज्वाइन कर लिया। उस दिन के बाद से उन्होंने मेरे ख्याल से मेरा एक मिनट भी नहीं छोड़ा होगा जब उन्होंने कहा कि बेटा यहाँ पर सही में कुछ अलग हो रहा है, लोगों को पहचाना जा रहा है ज़मीनी तौर पे भी और उन्हें सही रिस्पेक्ट भी दिया जा रहा है। मैं बड़ा असमंजस में था, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा कि क्योंकि मैं वहाँ ठीक ठाक तरीके से सेटल था, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी रहा था। लेकिन हाँ, उन्होंने फिर मेरी एक संघ में व्यक्ति उनसे बात करें, उनसे मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। फिर उन्होंने कहा अच्छा बेटा तू आ जा, बाकी अभी कुछ छोड़ना मत वहाँ से, लेकिन तुम आ जा। जैसे ही मैं वापस आया यहाँ पे कुछ एक दिनों के लिए, एक महीने की छुट्टी लेके, ये करीब 7-8 महीने पहले की बात है, उन्होंने मेरे को एकदम 3 दिन बाद ही माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मिला दिया। ऐसे ही बैठे थे जैसे विनीत जी और हम बैठे थे, उनसे बातचीत हुई आधा घंटा, उनसे अपने मैंने विचार विमर्श करे और उन्होंने मेरे को काफ़ी चीज़ें बताई जो चल रही थी। उस दिन का दिन है और आज का दिन है, मैं वापस नहीं जा पाया। और ऐसा नहीं है कि मेरी जिंदगी बहुत मतलब सीधे तौर पे या बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, क्योंकि मेरी फैमिली को मूव होने में उसमें सब अपना एक प्रोसेस होता है, वो टाइम लग रहा है हम लोगों को यूज्ड होने। और मैं खैर, मेरी वाइफ और मेरा बेटा देहरादून में है, मैं यहीं रहता हूँ आगरा में, तो 20-25 दिन आगरा में रहता हूँ, 4-5 दिन के लिए वहाँ जाता हूँ। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि पूरी तरह से आदमी समाज सेवा में, और सिर्फ इसी विश्वास की वजह से कि मोदी जी के हाथ में हम लोग के देश का नेतृत्व है ठीक। और मैं ये भी मानता हूँ कि अगर किसी को जवाब देने के का मानता है किसी भी नेता में, वो सिर्फ मोदी जी में, चाहे वो पाकिस्तान हो जो कि हमारे ऊपर हमेशा ही एक
या हमारे देश की हिस्ट्री में एक काला धब्बा रहा है, उसको अगर किसी ने ढंग से जवाब दिया है तो मैं मानता हूँ कि मोदी जी ने अच्छे से दिया ही नहीं, चाहे वो